ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 55 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਗਲਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 55 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਿਨਾਂਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ 6:30 ਵਜੇ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਮਾਰੀ 12th ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੀ BOP ਰੋਸੇ ਮੇਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਵਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਥੇ, ਕਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੂੰਕਿ ਠੰਡ ਕਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫੌਗ ਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਸਭ ਮੁਸਤੈਦ ਉਸਮੇਂ ਥੇ। ਉਸਮੇਂ जो दो जवान हमारे वहाँ पर थे उनको एक मूवमेंट वहाँ पे नज़र आई फेंस के आगे, और जिस जगह ये मूवमेंट नज़र आई वो वहाँ से फेंस के आगे आई, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो मात्र 30 मीटर दूरी पे है, और उनको लगा कि कुछ लोग, 2-3 लोग क्रॉल करते हुए इधर आ रहे हैं, तो इस पे उन्होंने एक समझदारी का इन्होंने एक परिचय दिया और फिर इन पे फायर खोले। लगभग 20 राउंड उसमें फायर किए गए रात में, और जो लोग उधर से आ रहे थे वो वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद में जब तलाशी ली गई तो अब तक का पंजाब फ्रंटियर की जहाँ तक बात की जाए सबसे बड़ा ये बरामदगी हुई, 55 पैकेट्स हेरोइन के मिले हैं, लगभग 55 किलो, और 2 32 बोर के रिवॉल्वर भी वहाँ से बरामद हुए हैं। हालांकि जो गोली रात में चली उसमें कोई भी व्यक्ति जो उधर से आ रहे थे वो कोई घायल होना ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वो लोग चूंकि IB काफ़ी पास में थी और वो वहाँ पर वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। तो ये घटना हुई है, जो 2 हमारे जवान जिन्होंने बहुत ही समझदारी और बहादुरी का परिचय दिया, जिनके कारण से ये उपलब्धि BSF को पंजाब में मिली है। और अब तक इस साल टोटल बरामदगी पंजाब फ्रंटियर में 257.16 kg, आज कल वाली बरामदगी है उसको मिला के हो चुकी है। और मैं फिर यही बताना चाहूँगा कि पंजाब बॉर्डर पे लगातार प्रयास होते रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस मौसम में इस हेरोइन को स्मगल करने का, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं BSF और लगातार मुस्तैद है, बाकी हमारा पंजाब पुलिस से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सबसे बहुत अच्छा तालमेल है।